सर आप मन है शादी कब करत है? शादी जम्मू संगवारी मन से निवेदन है कि सीजी कबड्डी अड्डा लाइक कराओ, सब्सक्राइब कराओ। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। जय जोहर। जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज हमन हा गोविंदा सिदार से खास मुलाकात करत हन, तो आओ जानथन हमन हा गोविंदा सिदार के बारे में। खुद गोविंदा सिदार से मोर रियल नाम उमेश सिंह खुसरो है। उमेश सिंह कबड्डी क्षेत्र में गोविंदा के नाम से जाने जाते हैं। मैं नवा गांव कौड़िया के रहने वाला हूँ। चिंगराज पारा बिलासपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। पर आप मन के परिवार में कितना सदस्य है? दो भाई, अम्मा, बाबूजी, चार सदस्य। तो सर आप मन हाँ चिंगराज पारा की तरफ से खेलते हो और पूरा छत्तीसगढ़ है आपला देखते और आप मन बहुत अच्छा खिलाड़ी हरो, जेकर कारण आपला बहुत ज़्यादा पसंद करते पूरा प्लेयर मन हा और दर्शक मन हा भी। तो आप मन के कबड्डी प्लेयर के जर्नी के स्टार्ट कहाँ से हुई? खेला तो मैं बहुत पहले के हूँ, जब छठी पढ़त रहे तभी कबड्डी खेले के स्टार्ट कर दे रहे हैं। गांव स्तर में खेलत रहे, ओकर बाद फिर धीरे धीरे स्कूली खेले चालू करे हूँ। ओकर बाद चिंगराज पारा बिलासपुर में आके प्रैक्टिस करे लग गए हूँ। प्रैक्टिस करे के बाद फिर नेशनल, जूनियर नेशनल, फिर सीनियर नेशनल स्कूली में खेले हैं। ओकर बाद सीधा ओपन सीनियर नेशनल चार बार प्रतिनिधित्व कर डाले हम हैं नेशनल लेवल में। तो सर आप मन हाँ सीनियर के प्रतिनिधित्व करे हो, तो आप मन हाँ कबड्डी खेले पर कहाँ कहाँ गए हो? फर्स्ट नेशनल राजस्थान और दूसरा नेशनल हैदराबाद, तीसरा रोहा रायगढ़ महाराष्ट्र और चौथा नेशनल भी राजस्थान। तो सर आप मन हाँ हमार युवा कबड्डी प्लेयर मन ला कोई अपन जो ऐसे स्किल होई या स्टेप्स होई तेला बता दो, जिला देख के वो मन अभी आप मन ला फॉलो करे और आप जैसे बड़े टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व कर सके। आजकल तो प्रो कबड्डी उतर गए, प्रो कबड्डी यूट्यूब में सभी चीज देखे मिल जाते, स्किल प्रैक्टिस अलग से, एंकल होल्ड, बैक होल्ड, चैन, हर एक चीज़ के आजकल सुविधा हो गई है, यूट्यूब में सब चीज़ मिल जाते हैं। तो सर आप मन हाँ पढ़ाई कहाँ तक करे हो कि अभी पढ़ाते हो कि छोड़ दे हो? मैं अभी पढ़ाता हूँ, BPS सिक्स सेमेस्टर फाइनल ईयर में हूँ। तो सर आप मन हाँ आप मन के पढ़ाई और कबड्डी दोनों ला कैसे मेंटेन करते हो? ज़्यादातर ये होते कि कई बार कहीं बाहर टूर्नामेंट खेले जा रहा तो पेपर वेपर आ जात हो तो ला मेंटेन कैसे करते हो आप मन हाँ? जैसे बाहर गए खेले एप्लीकेशन लिख देते हैं कॉलेज में, यहीं पढ़ता हूँ मैं डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी में। अगर पेपर है और वो दौरान में मैच फंस गए, नेशनल है, एप्लीकेशन लिख के दे देते हैं, ओकर बाद हम लोग छुट्टी दे देते हैं। तो आप मन हाँ सर तो आप मन हाँ प्रैक्टिस कैसे करते हो? घर रोज़ सुबह प्रैक्टिस करते हो या आप मन के एकेडमी हुई जैसे कि चिंगराज पारा बहुत बड़े एकेडमी है और पूरा छत्तीसगढ़ में चिंगराज पारा ला जानते बहुत बड़े एकेडमी के नाम से, तो आप मन के वहाँ प्रैक्टिस कैसे होते सर? सुबह 5:30 बजे ग्राउंड स्टार्ट होते, 8 और 9 भी बज जाते हैं प्रैक्टिस, मतलब 2-3 घंटा सुबह शाम रोज चलते हैं, संडे के बाद छुट्टी रहते हैं। आप मन हाँ चिंगराज पारा एकेडमी के बारे में कुछ बताना चाहते हो जैसे कि वहाँ कोई प्लेयर है छत्तीसगढ़ के हो चाहे बाहर के, अगर एकेडमी में ट्रेनिंग लेना चाहते तो वह कैसे ट्रेनिंग कर रही? वहाँ निशुल्क है, चिंगराज पारा में निशुल्क प्रशिक्षण दिए जाते, रहना खाना अपन रहते, खुद के रहते, सिखाए के कोई फीस वीस नहीं लगे, सब खुले है चिंगराज पारा बिलासपुर में, कोई भी खेल सकते। के
डाइट वाइट के बारे में बता देते हो, आप मन के इतना अच्छा स्पीड है तो आप मन हाँ काय खातो पीतो या कुछ अलग से एक्सरसाइज करते हो जिकर कारण आप मन के स्पीड इतना अच्छा है, बोला बता देते। खाए बात दाल चावल ही खाथन हम उच मन, डाइट के लिए वही खेलथन, इनाम इनाम लगते वही पैसा में डाइट मेंटेन करथन, और डाइट में सुबह चना वना मूंग यही सब डाइट लेथन। तो भविष्य में भी आप मन काय करना चाहते हो, कबड्डी में इंटरनेशनल तक जाना चाहते हो कि प्रो कबड्डी खेलना चाहते हो कि कोई जॉब आप करना चाहते हो अच्छा से, और कबड्डी खेले पर आप मन कब तक जारी रखो बोला बता। कबड्डी बहुत आगे तक जाना चाहता हूँ मैं तो, प्रो कबड्डी सपना तो खेले के है, प्रो कबड्डी खेले के और जॉब के भी तैयारी करता हूँ। कितना हाइट है और कितना वेट है और आप मन अपन फिटनेस ला कैसे मेंटेन करते हो? हाइट 168 है, वेट 70 किलो है, और मेंटेन प्रैक्टिस के दौरान सब चीज़ प्रैक्टिस में होते हैं रनिंग। सर तो आप मन के स्किल पर कोई ऐसे खास एक्सरसाइज हुई जिला आप मन हाँ हमारे युवा कबड्डी प्लेयर मतलब बताना चाहते हो तो बता दो, स्पेशल कुछ करत हो? नहीं वही सब व्यायाम रहते कबड्डी में, स्किल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते क्या का बाकी शरीर बहुत लचीला करे पड़ते, ये सब व्यायाम व्यायाम बहुत जरूरी है, और वही सब में शरीर लचीला होते ओकरे वजह से फास्ट होते। सर आप मन हाँ इतना दिन से कबड्डी खेला थो, प्रो कबड्डी के पहली CGKPL के पहली सीजन चालू हुई से तो आज तक आप मन हाँ 6 सीजन हो गए, तो 6 सीजन में खेला थो तो आप मन ला सबसे ज़्यादा मजा कहाँ आई, जैसे कि आप मन हाँ बोले कि आप मन सीनियर नेशनल खेले राजस्थान गए रहे हो गुजरात गए रहे हो, तो सबसे ज़्यादा मजा आप मन ला कहाँ आई? राजस्थान सीनियर नेशनल में और रोहा रायगढ़ में महाराष्ट्र। मन हाँ 4-5 ठो सीनियर नेशनल खेले हो और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व करे हो, तो आप मन हाँ जैसे हमार इंटरनेशनल के बड़े बड़े प्लेयर है प्रदीप नरवाल हो चाहे अनूप कुमार सर हो चाहे मंजीत चिल्लर हो, तो आप मन हाँ कौन कौन से ऐसे प्रो कबड्डी के स्टार प्लेयर के साथ खेले हो या अपन कोई भी कैंप में हिस्सा ले हो तो कर बारे में कुछ जानकारी दे देते हो? प्रो कबड्डी के सभी खिलाड़ी से खेलते रहे, प्रो कबड्डी में जितना खिलाड़ी है राजस्थान गए रहे तो परिचय करे बा अभिषेक बच्चन बिहारी से राजस्थान में, और लगभग प्रो कबड्डी जितना खिलाड़ी है सभी खेल चुके हैं उन। सर आप मन है शादी कब करत? शादी के अभी डिसाइड नहीं हुए हैं, शादी अभी जब तक जॉब नहीं मिली तब तक, अभी पढ़ाई चला थे पढ़ाई कम्प्लीट हो ली और सोचबू, अभी तो 2-3 साल तक नहीं हो पाए शादी। तो संगवारी हो ये हरी समर गोविंदा सर जे हा बहुत अच्छा जानकारी दे है, तो अपन टारगेट ला जरूर पूरा करे और वह आने वाले सीजन में प्रो कबड्डी में दिखाई दे, यही हम सब की तरफ से शुभकामनाएं हैं। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत से पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल वाले घंटी के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।